चलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो बोर्ड एग्जाम पास में आ रही है ना? तैयारी शुरू कर दी? अगर शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं शुरू की है तो चलो इस बार हम आपकी कुछ मदद करते हैं। इस बार हम आपको तैयारी करने में काफी हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी अच्छी खासी हम हेल्प कर सकें। तो तैयारी तो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सब सब्जेक्ट का फॉर्मेट समझना जरूरी है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में किस तरह का फॉर्मेट आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो थोड़ा समझना जरूरी है। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वो समझना शुरू करें ना। जैसे सबसे पहले अकाउंट के बारे में हम लोग शुरू करें कि अकाउंट का एग्जाम का फॉर्मेट कैसा है, कौन से सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, वो थोड़ा सा हम समझें। देखो, जैसे फॉर्मेट ध्यान है कि अगर सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 20 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं ना। अच्छा, चलो ये एक बात अच्छी है कि थोड़ा सा जो है वो लिबरल हुए हैं सब, और आपको काफी जो है वो चीजें बता दी गई है कि जो 20 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे ना, वो कौन कौन से चैप्टर्स के आएंगे वो आपको दिए हुए हैं कि कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज आएंगे, कौन से चैप्टर के नहीं आएंगे, किसके कितने एमसीक्यूज आएंगे, वो भी यहाँ पर मेंशन है कि भाई जैसे अगर 20 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे तो जो हमारी पार्ट वन है, पार्टनरशिप के बारे में है, उसके फर्स्ट चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आएंगे जो 1-1 लिखा हुआ है, थर्ड चैप्टर में से 2 एमसीक्यू, फोर्थ में से 2 एमसीक्यू, फिफ्थ में से 2, सिक्स्थ में से 1 ही, और 7th में से 2। ऐसे ही पार्ट टू में भी है, फर्स्ट चैप्टर में से 2, एक सेकंड में से 2, फोर्थ में से 2, 5, 2, 6 में से, बराबर। मतलब इसमें सेकंड चैप्टर में से कोई एमसीक्यू नहीं आने वाला है, इसमें थर्ड चैप्टर में से कोई एमसीक्यू नहीं आने वाला है। तो वो ध्यान दे देंगे, जिसमें एमसीक्यू नहीं आने वाले हैं तो ठीक है, उसके ऊपर मेहनत करना जरूरी नहीं है हमारी, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। फिर वैसे ही सेक्शन बी में आएगा आपका 1 मार्क के क्वेश्चंस, पता है ना, 1 मार्क के क्वेश्चन फॉर्मेट ऑलमोस्ट तो ध्यान है, चैप्टर वाइज थोड़ा समझना कि 1 मार्क के क्वेश्चन जो आते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, 21 से 30 तक के हमारे क्वेश्चन होंगे, जिसमें भी चलो ये ध्यान है कि ऑलमोस्ट पार्ट वन में से जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सिक्स और सेवन में से, 1, 2 और 5 में से 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, उसके ऊपर मेहनत कम करना, उनके एमसीक्यू ट्राई करना। सेकेंड चैप्टर में से तो एमसीक्यू भी नहीं है और 1 मार्क के क्वेश्चन भी नहीं है, तो सेकेंड चैप्टर में ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है। आपका सेकेंड चैप्टर है फाइनल अकाउंट का, सिर्फ सम ट्राई करो, थियरी पे ध्यान मत दो भले, बरोबर ना। या फिर पार्ट टू की बात करें तो वो भी सेकेंड चैप्टर, 5 चैप्टर और 6 चैप्टर में से आएगा, 1, 3, 4 में से नहीं आने वाला है। इसमें भी थर्ड चैप्टर की अगर बात करें तो थर्ड चैप्टर में जो वही कंपनी का फाइनल अकाउंट है, उसके नए एमसीक्यू आएंगे ना, 1 मार्क आएगा। तो थर्ड चैप्टर की थियरी भले रीड मत करना, उसमें भी सिर्फ फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस करो, बरोबर ना, थियरी की जरूरत नहीं है। ये इजी है ना, अगर आप इसके अकॉर्डिंग करो तो उतनी मेहनत बच जाएगी, कहाँ हमें काम करना है ना, वो थोड़ा माइंड क्लियर रहेगा उसमें, ठीक है। सेक्शन सी की अगर बात करें, 3-3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे कि एनी 4 आउट ऑफ 6, 6 क्वेश्चन होंगे, उनमें से हमें 4 अटेम्प्ट करने हैं, बरोबर। वो 6 क्वेश्चन कौन से होंगे, तो वो 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं कि पार्ट वन में से एक फर्स्ट चैप्टर का, एक फोर्थ चैप्टर का और 2 सेवन्थ चैप्टर के आएंगे। एक फर्स्ट चैप्टर का आएगा आपका, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसमें से नहीं, वो 11 सम्स हैं, उन 11 सम में से ही एक सम पूछा जाएगा, है ना, 11 सम और 11 एग्जाम्पल्स हैं, वो उसी में से एक इसमें से आएगा, बरबर। एक फोर्थ चैप्टर में से आएगा जो आपका रिकंस्ट्रक्शन का है, पता है वो सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो के क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं, या रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज आती हैं, इनमें ऑलमोस्ट वो पूछा जाता है। और 7 चैप्टर के 2 हैं, 7 चैप्टर के 2 हैं, जहाँ 7 चैप्टर डिस सॉल्यूशन का, पता है जर्नल एंट्रीज आती हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक आध जर्नल एंट्री, एक आध थियरी पूछते हैं, है ना, 7 चैप्टर की ऑलमोस्ट थियरी आती है, 1 और 4 की थियरी नहीं आती। तो आप अगर थियरी भी कर रहे हो, जो क्वेश्चन आंसर याद करने, तो उसके हिसाब से करो, खाली 7 चैप्टर की थियरी पर ज़्यादा फोकस करो, 1 और 4 की थियरी की जरूरत नहीं है, उसके सिर्फ सम आएंगे। और देखो, 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो वो 4 यहीं अगर अटेम्प्ट हो जाए तो पार्ट टू का सेकंड चैप्टर, जो आपका डिबेंचर का चैप्टर है, वो डिबेंचर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो वो 2 क्वेश्चन आपके ओमिट हो सकते हैं, मतलब डिबेंचर वाला चैप्टर आप लोग पूरा ओमिट कर सकते हो, बरबर। अगर आप लोग इन चैप्टर में अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हो तो डिबेंचर वाला चैप्टर आपका ओमिट हो जाएगा, बरबर ना, उसके सम पे मेहनत मत करो ना। आप अगर 4-5 दिन डिबेंचर के चैप्टर पे जो है वो मेहनत कर रहे हो कि नहीं मुझे उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, तो जितने 4-5 दिन उसमें निकाल रहे हो, इससे अच्छा वो 4-5 दिन दूसरे चैप्टर्स में ज्यादा मेहनत करो कि उसके मार्क पूरे कवर हो जाए। इस बार मुझे ट्राई करनी है कि आप सब स्टूडेंट्स के आउट ऑफ मार्क आने चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। जब गवर्नमेंट भी हमें ये बता रही है, ऑलमोस्ट सिलेबस हमें ध्यान होता है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो ना उसके हिसाब से।
जो चीज जरूरी नहीं है उस पर मेहनत नहीं, उस पर टेंशन नहीं कि यार बाय चांस इसमें से आ गया तो, अरे इसमें से हो गया तो, ऐसे नेगेटिव सोचने की क्या जरूरत। चलो पता है 7 चैप्टर में से थियरी आएगी, 7 चैप्टर में से थियरी आएगी यार, 4 में से पूछ ली तो सरकार ने फिर क्या करेंगे, बोर्ड में 1 चैप्टर की थियरी आ गई, सब नहीं पूछा तो फिर। अरे ठीक है थियरी आ गई 1 चैप्टर की तो कोई बात नहीं, आप जो है वो 1 चैप्टर की थियरी थोड़ी बना कर लिखना, कितने मार्क का फर्क आएगा, एकाध मार्क का फर्क आएगा उसमें, तो 1 मार्क के लिए इतनी टेंशन क्यों करना, और 5 5 दिन दूसरे चैप्टर्स के लिए जो है वो टाइम निकालना कि यार उसकी थियरी आ गई तो मुझे तो आती नहीं है उसकी थियरी, इससे अच्छा तो मैं ये चैप्टर भी कर लूँ साथ में, वो चैप्टर करना, मतलब 5 दिन जो है वो निकालना अलग से, सही बात है। और इस वक्त टाइम की बहुत कीमत है, बात समझ रहे हो, मैं इसलिए यही बात समझा रहा हूँ कि इस वक्त टाइम की वैल्यू है भाई। अब 1 2 मार्क के लिए जो है वो इतने इतने दिन मत निकालो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो और पूरे मार्क्स जो है वो कवर करने की कोशिश करो, बरबर 100 आउट ऑफ 100 अरे आएंगे ही। आप पॉजिटिव सोच कर चलो कि नहीं इसमें से यही आता है और हमेशा यही आता है, आप जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, भले ऑलमोस्ट जो है वो फॉर्मेट यही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, फिर ये निगेटिव रहकर मत सोचो कि यार इस बार ऐसा चेंज आ गया तो, नहीं आएगा, पॉजिटिव होकर चलो आप लोग, बरबर मेहनत इस पे करो। हाँ चलो फिर आखिरी में, चलो ये भी बता रहा हूँ कि जिसमें आपको बहुत डाउट लग रहा है, आखिरी के दिनों में जो है अगर थोड़ा टाइम बच रहा है तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस देख लो, थियरी देख लो उन चीजों की, बरबर ना। आप चलो अगर ये इसमें डाउट रहता है किसी को, काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर 1 और 4 में से थियरी आ गई तो 7 में से थियरी नहीं आई, तो जब आखिरी का टाइम आए ना, लास्ट जब रिविजन कर रहा हो ना, तो 1 और 4 की थियरी थोड़ी थोड़ी ऊपर से रीड कर लेना और बना के क्वेश्चन लिख लेना। डिबेंचर वाले चैप्टर्स पर जो है वो ज्यादा 5 दिन बिगाड़ने से अच्छा है कि 2 दिन में उसकी थियरी ऊपर ऊपर से रीड कर लो, तो भी 3 दिन बचेंगे आपके, अगर वो भी माइंड में डाउट है तो। मुझे तो डाउट नहीं है, आप लोगों को डाउट होता हो तो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तो कंफर्म है कि एक 1 चैप्टर में से सम आएगा जो 11 सम है उसी में से ही, एक 4 चैप्टर में से आएगा जो सेक्रीफाइस गेन और रीवैल्यूएशन की एंट्रीज आती हैं उन्हीं में से ही, और एक 7th में से एक सम एक थियरी आएगी ऑलमोस्ट, बरबर तो उनमें से पता है कि थियरी इसमें से आएगी उसकी थियरी पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर डिबेंचर अगर हार्ड लगता हो तो ठीक है, हाँ ये भी ऑप्शन कि अगर आपको डिबेंचर चैप्टर इजी लगता है कि यार उसकी जर्नल एंट्री बहुत इजी है, कोई बात नहीं वो कर लेंगे, तो ठीक है डिबेंचर की जर्नल एंट्रीज कर लो, और इनमें से जो है वो कोई एक आध चैप्टर आप ओमिट में निकाल दो, बरबर ना। जो चैप्टर अगर ओमिट हो रहे हैं इस बार आपके जनरल ऑप्शन हैं तो उसे ऑप्शन में रखो ना, वो बहुत बेटर रहेगा, उतना टाइम बचेगा, उतना स्मार्ट वर्क होगा आपका। तो आप लोग डिसाइड करो, आप लोग डिसाइड करो कि भाई कौन सा चैप्टर आप लोग ओमिट में रखने वाले हो, ठीक है। मैं रिवीजन की जो है वो एक सीक्वेंस शुरू करने वाला हूँ यहाँ पर, जल्दी रिवीजन की एक सीक्वेंस शुरू होगी जिसमें मैं इनके अकॉर्डिंग जो है वो रिवीजन करवाऊंगा, बरबर कि भाई चलो ये सेक्शन ये है कि इसमें ये ऑप्शन में रखना है, ठीक है उसको ऑप्शन में रखो। मुझे पता है जहाँ तक कि 90% स्टूडेंट डिबेंचर के चैप्टर को ऑप्शन में रखते हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बाकी कोई मना नहीं है कि जबरदस्ती कि यही चैप्टर ऑप्शन में रखना, आपको ये इजी लगता है इनमें से ऑप्शन में रखना, ठीक है वो ऑप्शन में रखो जो इजी जिसको रखता हो, ठीक है। तो सेक्शन सी की प्लानिंग करो आप, कौन सा चैप्टर आप लोग ऑप्शन में रखने वाले हो, तो उसके 3 4 दिन बचाकर 3 4 दिन दूसरी चीजों पे ज्यादा मेहनत करो, बरबर। अब सेक्शन डी की अगर बात करो उसमें 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी एनी 3 आउट ऑफ 5, 5 होंगे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, तो पार्ट 1 में से 2 3 चैप्टर के होंगे, गुडविल वाला चैप्टर है ना, तो गुडविल के 2 क्वेश्चन होंगे उसमें से, और पार्ट 2 में से 1 4 1 5 1 6 चैप्टर का होगा, 1 4 चैप्टर का जो वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बरबर 1 5 चैप्टर आपका अकाउंटिंग रेशियो का, और 6 1 कैश फ्लो का। अब इनमें भी 5 में से 3 अटेम्प्ट करने, तो इसमें भी थोड़ा स्मार्ट वर्क करो ना कि अगर 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं तो उनमें से देखो 2 क्वेश्चन तो आपके गुडविल के आएंगे, ठीक है। जहां तक मुझे ध्यान है गुडविल का चैप्टर सबको ईजी लगता है, गुडविल में है ही गिन के जो है वो 3 4 से 5 मेथड्स, और उन्हीं में से एक आध क्वेश्चन आता है आपका, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 में, मतलब दिवाली से पहले 1st सेमेस्टर में आपने गुडविल का चैप्टर ऑलमोस्ट किया ही होगा, है कि नहीं। तो 2 क्वेश्चन तो गुडविल के आते हैं, तो आप गुडविल का चैप्टर अगर नहीं भी किया हो तो अभी अगर गुडविल का चैप्टर आप अच्छी तरह से करो तो आपको ईजी हो जाता है वो, है कि नहीं। तो 2 क्वेश्चन तो गुडविल के अटेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी इनमें से जो है वो 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन करने हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं तो इनमें से, और इनमें से थियरी किसी की भी नहीं आती तो थियरी की चिंता भी नहीं है, बरबर। थियरी सिर्फ जो है वो आती है एक इसमें से, एक 7 में से ही थियरी आती है, और रेयरली ये डिबेंचर वाले जो 2 क्वेश्चन है उनमें से एक थियरी और एक सम पूछते हैं, रेयरली, बाकी उनमें भी दोनों सम ही आते,
थियरी आती ही सिर्फ इस चैप्टर की है, तो उसी चैप्टर की थियरी करें, बाकी सबकी थियरी करने की जरूरत नहीं है। उस थियरी में खाली एमसीक्यू 1 मार्क की प्रैक्टिस करो और कोई चीज की नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन अगर आप गुडविल के अटेम्प्ट कर लो और बाकी के इन 3 में से कोई भी एक, मतलब एक ही चैप्टर करने हैं, 2 चैप्टर आपके ऑप्शन में निकल जाएंगे, 2 चैप्टर आपके ऑप्शन में निकल जाएंगे उसमें, है कि नहीं? तो इनमें भी इजी रहेगा। और इन 2 चैप्टर में से भी जो, सॉरी, 3 में से जो एक करना है, जहां तक मुझे ध्यान होता है ये 4th वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इजी है, जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर एनालिसिस करना होता है, मतलब सिर्फ जो है वो फाइनल अकाउंट का इंक्रीज डिक्रीज करना है, सिर्फ प्लस माइनस और परसेंटेज ढूंढना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है, बरबर ना? एकदम सिंपल है, सिर्फ प्लस माइनस, ना फॉर्मूला ना मेथड ना कुछ याद करना है, सिर्फ प्लस माइनस करना है हमें चीजों का, बरबर? तो ये सबसे ईजी रहता है, आप 1 घंटे में ये पूरा चैप्टर कर सकते हो, मतलब सीख सकते हो, अभी तक नहीं देखा हो ना तो भी 1 घंटे में पूरा चैप्टर आप सीख लोगे, ये इतना ईजी है। हाँ, बाकी ये भी ईजी है, 5th चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो का है, फॉर्मूला बेस्ड है, रेशियो के कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज याद कर लो तो ये चैप्टर हो जाता है। 6 कैश फ्लो है, उसमें भी 3 ही मेथड है सिर्फ कैश फ्लो की, तो 3 में से ही जो है वो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बरबर? तो वो 3 मेथड अगर आप सीख लो तो ये भी ईजी है। तो जिसको जो चैप्टर ईजी लगता हो, मेरे हिसाब से 4th चैप्टर सबसे ईजी है, कोई मेहनत नहीं, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं, कोई एक्स्ट्रा जो है वो उस पर टाइम कंज्यूम नहीं करना है। तो जो 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आप ट्राई कर सकते हो कि 2 गुडविल के कर लें और 1 ये कर लें। अगर किसी को गुडविल हार्ड लगता हो तो 4, 5, 6 चैप्टर कर लो, ये तीनों भी इजी है ना, गुडविल को ऑप्शन में रख दो, है कि नहीं? तो आप थोड़ा सा फिर से स्मार्ट वर्क करो और चेक करो कौन से चैप्टर मुझे करने हैं कौन से नहीं। अगर 5, 6 करना ही नहीं है आपको तो उसके ऊपर मेहनत ही मत करो ना, थियरी समझ लो, सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ लो, थियरी समझ लो और उसके एमसीक्यू 1 मार्क कर लो, कि जो एमसीक्यू 1 मार्क आएंगे ना, इसमें दो दो एमसीक्यूज आने वाले हैं, दो दो 1 मार्क आने वाले हैं 5 और 6 में, उसके ऊपर खाली मेहनत करो ना। जो टेक्स्ट बुक की जो थियरी है वो थियरी रीड कर लो, टेक्स्ट बुक पूरी रीड कर लो, सब मत करो इन 2 चैप्टर के लिए, उतना टाइम बच जाएगा। अरे बात ध्यान, तो थोड़ा लगाओ भाई स्मार्ट वर्क अपना। फिर सेक्शन ई की बात करें, उसमें 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 8-8 मार्क के, 3 क्वेश्चन लिखना है 5 में से, बराबर 24 मार्क का रहता है सेक्शन ई के, 5 में से 3 क्वेश्चन लिखने हैं। ये भी 5 कौन से आते हैं तो वो आपको ध्यान ही है, ये सेक्शन ई और एफ के बारे में, तो ऑलमोस्ट कि पार्ट 1 में जो है 5 में से 2 क्वेश्चन और 1 6 में से आता है, 5 जो आपका एडमिशन का चैप्टर है और 6 आपका रिटायरमेंट का, 1 एडमिशन 1 रिटायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट 2 का 1st चैप्टर जो शेयर कैपिटल का है। तो ये भी जो 3 है, उन 3 में से कोई भी एक चैप्टर आप ओमिट कर सकते हो, जो चैप्टर आपको हार्ड लगता हो, जिसको जो हार्ड लगता हो। आपने अगर अभी तक सेमेस्टर 1 में एडमिशन रिटायरमेंट बहुत अच्छी तरह से किया है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, तो शेयर कैपिटल के ऊपर मेहनत मत करो, उतनी ज्यादा मेहनत एडमिशन रिटायरमेंट पे करो। 8-8 मार्क के क्वेश्चन है, अगर आप शेयर कैपिटल वाला चैप्टर भी लेकर बैठोगे तो 5, 6 दिन, 7 दिन उसके ऊपर मेहनत करोगे तो उसकी मेथड अच्छी तरह से आएगी, बरबर? अगर 8 में से 8 मार्क कन्फर्म चाहिए तो, है कि नहीं? तो अगर आपको जो है वो शेयर कैपिटल का चैप्टर हार्ड लगता है तो 8 दिन वहां निकालने से अच्छा वो 8 दिन इनके ऊपर ही मेहनत कर लो, रिविजन कर लो, 8 दिन कंटिन्यू, क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे, है कि नहीं? और जरूरी नहीं कि अगर ये चैप्टर 1 ऑप्शन में रखना है तो वही ऑप्शन में रखें, मैंने बोला है इसीलिए नहीं भाई, आप अपने हिसाब से सोचो आपको क्या इजी क्या हार्ड लग रहा है। अगर किसी को एडमिशन रिटायरमेंट के चैप्टर्स में अगर प्रॉब्लम है कि नहीं यार इसके नहीं समझ में आते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें, तो ठीक है, आप जो है वो 6-7 दिन इसके ऊपर शेयर कैपिटल के ऊपर मेहनत करो, बरबर? 8 में से 8 बार आएंगे ही आएंगे, मेहनत करेंगे तो 100% आने वाला है, कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आप जल्दी ही, बरबर ना? आगे कुछ रिविजन की सीरीज शुरू होगी ना, मैं जल्दी से बताऊंगा ये चैप्टर्स कैसे कम्प्लीट करने हैं। पर ठीक है कि अगर ये चैप्टर में से कोई हार्ड लगता है, सपोज अगर आपको रिटायरमेंट हार्ड लगता है, कोई कहता है उसमें रिटायरमेंट में जो है वो डेथ के क्वेश्चन भी आते हैं, रिटायरमेंट के क्वेश्चन भी आते हैं, मेथड्स काफी सारी है, गुडविल की एंट्री नहीं समझ में आती है, तो ठीक है ये चैप्टर ऑप्शन में रखो आप रिटायरमेंट का, एडमिशन के जो है वो चैप्टर कर लो और एक शेयर कैपिटल का चैप्टर कर लो आप, बरबर ना? एडमिशन में भी जो है वो 2 ऑप्शन आ जाएंगे, अगर सपोज एडमिशन के दोनों क्वेश्चन इजी रहे तो 2 क्वेश्चन वो एक ही इसका करना, या समझो इसके दोनों क्वेश्चन इजी रह गए जो बोर्ड एग्जाम में आए आपको, इसके दोनों क्वेश्चन इजी हो तो ये 2 करना है, इसका एक ही करना फिर, है कि नहीं? ऑप्शन भी रहेगा ना, तो आपको रिटायरमेंट का चैप्टर ऑप्शन में रखना तो ऑप्शन में रख दो, है कि नहीं? उसकी खाली थियरी रीड कर लो, कि एमसीक्यू 1 मार्क में आएगा उसके लिए, और वो भी एक ही एमसीक्यू आएगा, एक एमसीक्यू और 1 1 मार्क, बरबर?
ऐसे नहीं, फिर ये मत सोचा करो कि यार एक ही आने वाला है ना, छोड़ देंगे ना उसको, भी क्या फर्क है 2 मार्क का। भाई मैं बोल रहा हूँ आपके 100 out of 100 आने चाहिए, मुझे वैसी तैयारी करवानी है। तो कुछ भी छोड़ देंगे, ये ऑप्शन अब माइंड में से निकाल दो, ये माइंड में रखो ही मत कि यार ये इसमें क्या, इतना ही तो है ना, छोड़ देते हैं। अरे इतना छोड़ते छोड़ते कितनी बार स्टूडेंट जो है वो 40-50 मार्क का छोड़ के आते हैं। फिर ऐसे मत करो भाई, ठीक है, नक्की करो क्या, ठीक है इसका ये करेंगे हम, छोड़ना है जो ऑप्शन में है उसे छोड़ो, बरोबर। अगर 6 चैप्टर के MCQ 1 मार्क आते हैं तो MCQ 1 मार्क करेंगे, भले सम ना करें। ऐसे नहीं कि 6 चैप्टर ही छोड़ देंगे, छोड़ना वो 2 मार्क का तो देख लेंगे हम, देख लेंगे वो गए 2 मार्क। भाई मुझे 100 out of 100 चाहिए, बरोबर, करो मेहनत, नक्की ठान के रखो यार, नहीं यार लेके ही आने हमें 100 out of 100। ऐसे क्या होता है फिर, क्यों नहीं आएंगे, 100% आएंगे वो भी, है कि नहीं। तो फिर इसमें सोचो कि कौन से चैप्टर के सम नहीं करने, तो आप अपने हिसाब से सोचो जो चैप्टर आपको हार्ड लगता हो। और सेक्शन एफ की बात करें, 11 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, ना 2 क्वेश्चन दोनों कंपलसरी, वो आपको पता ही है कि दोनों फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस आते हैं, एक पार्ट 1 में से सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट, और एक पार्ट 2 में से थर्ड चैप्टर कंपनी का फाइनल अकाउंट, बरबर आते ही है ना उसके क्वेश्चन, ये तो फिक्स है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, और इन दोनों की थियरी कहीं पे भी नहीं आती, ना MCQ 1 मार्क ना और कहीं पे, तो इन दोनों चैप्टर की कोई थियरी रीड नहीं करनी है, सिर्फ सम की प्रैक्टिस करो, है ना, कोई टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं, कोई थियरी रीडिंग नहीं, सिर्फ सम की प्रैक्टिस करो इन दोनों चैप्टर्स के लिए। तो देखो भाई ये फॉर्मेट बना हुआ है आपका, अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कौन से चैप्टर करने हैं कौन से नहीं करने हैं। इजीली अगर कहें तो देखो, जैसे कि अगर समरी वाइज कहें तो पार्ट 1 का 6th चैप्टर, ये रिटायरमेंट वाला चैप्टर, वो आपका ऑप्शन में जा सकता है कि उसकी सिर्फ थियरी पढ़ेंगे, सम नहीं करेंगे, बराबर। तो ये चैप्टर आपका ऑप्शन में जा सकता है ना, है कि नहीं। फिर उसके बाद जो है वो पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में भी 2nd चैप्टर है, 5 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर आपके ऑप्शन में निकल सकते हैं। 2nd चैप्टर यहाँ डिबेंचर में ऑप्शन में आ जाएगा, बरबर, कि ये नहीं करना है, उसकी सिर्फ थियरी पढ़ेंगे हम। 5 और 6 चैप्टर भी जो है वो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा, उसकी सिर्फ थियरी पढ़ेंगे। मतलब पार्ट 2 में से आपको सिर्फ 1, 3 और 4 चैप्टर ही करना है, 3 ही करने, 3 चैप्टर आपके ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऐसा थोड़ा स्मार्ट वर्क करो ना यार, कि जो चैप्टर ऑप्शन में हो रहे हैं उसके ऊपर मेहनत ना करें ना, कि उससे ज्यादा जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें डबल मेहनत करें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके अकाउंट के सब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के ही एज इट इज आते हैं, खाली नाम बदलते हैं, नंबर भी ऑलमोस्ट नहीं बदले जाते बोर्ड में, बरबर 99% आपके क्वेश्चन से टेक्स्ट बुक के एज इट इज ही आते हैं। तो फिर तो अच्छा है ना कि टेक्स्ट बुक के ही जो है वो एग्जाम्पल और सम से 2 बार मेहनत करो, 2 बार 3 बार करो। मेरे पास ऐसे जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं कि जिनको ये फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, शेयर कैपिटल, इनके क्वेश्चंस इस तरह से जो है वो प्रैक्टिस किए हुए होते हैं कि उनको ऑलमोस्ट क्वेश्चन याद हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन है ना, मतलब इसका जो है वो ग्रोस प्रॉफिट यही होगा, नेट प्रॉफिट यही होगा, डिविजिबल प्रॉफिट यही, बैलेंस शीट यही, टोटल जाएगा, उनको क्वेश्चंस याद हो जाते हैं ऑलमोस्ट, और बोर्ड एग्जाम में इजीली वो कर लेते हैं। कि जहाँ फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन से अगर आप प्रैक्टिस करो, ऐसी प्रैक्टिस करो कि पूरा क्वेश्चन करने में 15 मिनट नहीं लगते फाइनल अकाउंट का, क्योंकि आते ही टेक्स्ट बुक के, आप टेक्स्ट बुक के सब क्वेश्चन से दो दो बार तीन तीन बार रिपीट कर लो ना उसको, है कि नहीं। तो ईजी रहेगा ना उसके लिए, फिर थोड़ा करो भाई स्मार्ट वर्क करो, और हार्ड वर्क भी साथ में करो, नक्की कर लो, लिख लो एक बुक पे कि मुझे 100 out of 100 अकाउंट में लाने हैं, और साथ में स्टेट में भी, बरूबर ना, सब सब सब्जेक्ट में चाहिए ना, कि यार ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्क्स हमें चाहिए उसमें, तो ही कुछ जो है वो अच्छा हो पाएगा हमारे लिए। अरे बात ध्यान, कैसे लाने 100 मार्क्स कुछ देखें उसमें, तो देखेंगे। चलो मैं जल्दी ही बोल रहा हूँ ना कि एक रिविजन में शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूँ कि नहीं यार, आप सब स्टूडेंट्स के मुझे लेकर आने हैं इस बार अच्छे मार्क्स, बरबर करेंगे मेहनत साथ में, करो नक्की। फिर आज अकाउंट का फॉर्मेट समझाना है तो इसे नोट कर लो, स्ट्रेटेजी बना लो अपनी, अब दूसरे वीडियो में हम लोग स्टेट का फॉर्मेट समझते हैं। ओके, थैंक यू।